सारफीन वीपीएन पर टिकटॉक इस्तेमाल करने लगे हैं। वीपीएन से भी टिकटॉक लाइकी पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। मुतफरक दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक नामजद किया गया है। कानूनी जाब्ते पूरे करते हुए टिकटॉक बंद किया गया। ये मौकिफ अपनाया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि सार्फीन वीपीएन प्रॉक्सी से टिकटॉक इस्तेमाल कर रही है। मजीद क्या इस्तेदा की गई है जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताइएगा। पाबंदी के बावजूद सार्फीन की जानिब से वीपीएन प्रॉक्सी के जरिए टिकटॉक देखने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और इरफान अली शहरी हैं जिन्होंने अपनी मुतफरक दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फ्रीक बनाया है। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ तैयार किया गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बाद टिकटॉक जो है वो वीपीएन प्रॉक्सी के जरिए देखा जा रहा है। और इसमें मजीद ये भी कहा है कि पीटीए ने कानूनी जाब्ते पूरे करते हुए टिकटॉक पर पाबंदी बंदिश का हुक्म दिया था, लेकिन अब इस बंदिश के बावजूद पीवीएनएस के जरिए टिकटॉक देखा जा रहा है और जो नौजवान नस्ल है उस पर बुरे असरात जो हैं वो मुसलसल उसके असरात सामने आ रहे हैं। मजीद ये भी कहा गया है कि जो टिकटॉक पर पाबंदी आयद की गई है इसको शहरियों की अक्सरियत ने पसंद किया है, और जिसके बाद अब प्रॉक्सी के जरिए जो टिकटॉक देखा जा रहा है इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदआ की है कि अदालत इस हवाले से पीटीए का मौका सुनने के बाद इस पर नोटिस जारी करे और इस पर अदालती हुक्म इम्तनाही जारी करे, और जब तक इस केस का हतमी फैसला नहीं होता उस वक्त तक प्रॉक्सी पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दे। मलिक अशरफ बहुत शुक्रिया आपका।